अस्सलाम वालेकुम। आज साढ़े ट्रिप ना तीसरा दिन है तो शायद हम टन टू स्टार्ट करने पे हैं। इतना मुकामी पार्क है आए हुए हैं, थोड़ी देर इतने रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ की बच्चों ना खेले हैं। इतना आए रोप वॉक सी, बच्चे चैलेंज करने सुन इसकी क्रॉस करो, वो ट्राई की थी, कोशिश करने गए हैं। सो कोई नाल दसने क्रॉस हो सी या नहीं। काफ़ी वबली है, चलो तकने ट्राई करने। ऑलमोस्ट क्रॉस हो ही गया। चलो जी ये चैलेंज सक्सेसफुल हो ही गया। इस तो बाद वैसे जिप वायर है ये करने गए हैं। तो असल साड़ा टारगेट आज जो स्टोन एंज है जरा तकरीबन घंटे नहीं ट्रैवलिंग है इतों। वन ऑफ द वर्ल्ड्स फेमस मोनोमेंट्स है उत स्टोन एंज। दुनिया तू काफ़ी लोग अचने इत तकरीबन मिलियन लोग सालाना अचने इत इसकी इसने विजिट करने थे। हूँ रास्ते जा रहे हैं जिस हिसाब से नज़र आ रहा सी। इत कार पार्क की गड्डी खिलाई तकरीबन एक दो मिनट नहीं डिस्टेंस ना लगे इन्होंने मेन बिल्डिंग आई जानी सी जिथे कैफे आ शॉप्स है टिकट ऑफिस है उतू टिकट गिंदे। तो इस तो बाद थोड़ा लुक अराउंड किया इतू पैदल भी जाई सकने सो मेन जिथे मोनोमेंट्स है। तो अस बस भी जानी सी बस दो त्रै मिनट लगने तो जो पैदल जाओ तो भी एक मिनट लगी जाने सुन। इतना आए अगर बस अजय तैयार नहीं सी बंदे घट सुन अजय तो थोड़ी देर इंतजार किया फिर जरा गाइड से आना थोड़ी देर इंतजार करो इस तू बाद बसा ही बेसा तो उतें जासा जिथे मैन स्टोन है। तो ये तुम्हें दसा ये जी है इसकी तारीख है बहुत पुरानी है स्टोन एंज नहीं तकरीबन 5000 साल पहले इसकी तारीख है इतनी पुरानी है। जी इराम मिस्र है ना उसने तू ही तकरीबन 500 साल पहले दसने इसकी तारीख है। तो तुम जल्द मैं थोड़े कोल गए तो दसा जे इन्होंने स्टोन ने साइज है ना वो भी काफ़ी बड़े वे जड़ा बड़ा स्टोन है ना वो तकरीबन 40 टन के करीब करीब उसका वेट है। तो उसना ख्याल किया जाना क्योंकि उसकी जी साखत है इतना मुकामी कोई 20 मील दूर तो जगह आ उतने पत्थर की साखत ना मिलनी तो उतू जी ना इसकी ड्रैग करी तो आंदा गया क्योंकि अजय भी लोग हैरान ने या जड़े तारीख दान हैरान ने कि उतू पत्थर आया किस तरह आया इत 40 टन एक टन जड़ा उसने 1000 किलो होने तो 40 टन उसने चाहिए कि ट्री ट्रंक किने पर रखिए पत्थर तो रोल करी तो आंदे गए आम अंदाजा या किसा एग्जैक्टली तो कोई नहीं पता। इस जगह ने बारे में बेशुमार थ्यूरियां या सही तो किसा की कोई नहीं पता। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये रोमना बिल्ड किए सुन तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इस जगह कोई कब्रस्तान सी रोमना ना। तो जिले बाद दौर आए आर्कियोलॉजिस्ट इसकी डिग किया तो इसने बोन्स निकलियाँ जिले बोन नीचे किता ने वो मेल्स एंड फीमेल दो ने सुन जिस तू तो अंदाजा होना कि इतना फैमिलियाँ कोई आबाद सुन। तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इन्होंने पत्थर की तरतीब ना तलक सितारिया ने इलम नाल शायद है। कुछ लोग यह आखने क्योंकि डिफरेंट थ्यूरियां हियाँ कुछ लोगों का ख्याल यह है कि पुराने जमाने ने जड़े एस्ट्रोनोमर सुन इन्हों पत्थर की तरतीब नाल चांद ते सूरज की मूवमेंट ट्रैक करने सुन और मौसम की तब्दीली ने अंदाजा लाने सुन। 21 जून जड़ा साल ना सब तो बड़ा दिन होना उस दिन हजारा ने हिसाब ना लोग पूरी दुनिया तो इकट्ठे होने इत और सूरज ने निकलने ना नज़ारा करने और साल ने सब तो लॉन्गेस्ट डे की वेलकम करने। तो सूरज ने छुआ बड़े पत्थर ने दरम्यान बड़ी खूबसूरत नज़र अचनियाँ जड़े बड़े पत्थर इन्हें दरम्यान बड़ी खूबसूरत नज़र अचनियाँ और जड़ा नज़ारा होना बड़ा दिलकश होना। अगर तुम्हें माड़ी ये वीडियो पसंद अचनी इसकी लाइक तो जरूर करे आए तो मैं अगर फोटो शेयर करना आ जिसने बिच ये नज़र ऐसी जरा सूरज निकलना पे इन्होंने पत्थर ने दरम्यान।
ते अगर तुसें मौका मिलना अपने बच्चियां की आनो उन्हें हिस्ट्री ने बारे च भी चलो मालूमात हो जानी, तो चलो वन डे आउट भी हो जाना, इतना दूर कौन बर्मिंघम तू, दो घंटे नहीं ट्रैवलिंग हो सी अप्रॉक्सीमेटली। आज मौसम भी बड़ा अच्छा आया, तो यह जरा रैंड इसने के थोड़ी कनाल जी नज़र च नहीं पी, ये इसकी जरा ना वो उस जमाने नहीं बनती है जै रखी भी ने, तो जी मैं तस्वीर ना जिक्र करना सा ये तस्वीर है तो को कितना खूबसूरत है। इतने जगह जगह टूर गाइड खलते हुए वो भी तुसा की जी ना थोड़ी थोड़ी हेल्प करने रहने, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं वह तो दसने इतना तुम कोई सवाल जवाब हो लोगों ने, इतना तो हूँ जो बड़े पत्थर ने पहले जिक्र करना सा ना, जो बड़ा पत्थर है वो ए पत्थर है, ये तकरीबन 9 to 10 meters लॉन्ग है, तो वजन इसने तकरीबन 40 tons है, तो जेडे नीचे दिसने पे ना ट्री ट्रंक इस तरह ख्याल किया जाना सी कि इस तरह रखी ना तीन रोल करी तो आंदा गया, क्योंकि उस वेला व्हील तो कौन सी इनवेंट होया वा। इतने नाल छोटे पत्थर भी आए वो दूसरी साइड पर, पहले मैं तुम्हें इधर जोला आया इसने अगर तुम्हें एज पर इतु तुम्हें मैं दसा ना ये इसकी पत्थर की कटिया गया, उसकी इस तरह कटिया गया सी कि इसकी कटी ना तो सीधा खला रखने दो पत्थर रखी ना तो तीसरा पत्थर की थोड़ा जो उसकी ग्रूव जो बनाई ना उसने ऊपर रखी उन्हें सो ताजे फंसी जाना सी उसने विच सो गिरना नहीं सी, सो इस शेप बनाया ने। अजकल जरा कारपेंटर वो यूज़ करने मैथड टंग एंड ग्रूव मैथड जिसकी आखने, तो माड़ी ये दुई साइड पर जरा ये छोटा पत्थर है ये 4 tons जिसना वेट में तुम्हें बया सी तकरीबन 3 to 4 tons डिफरेंट साइजा ने, तो नाल ही ना ये झोंपड़िया जी बनाई वा ये झोंपड़िया उसकी उस जमाने ने भाई लोग इस तरह झोंपड़िया लेने सुनाया, मैं जुला अंदर तकना है इसने अंदर जान होना या नहीं, ताला लगा उसी अंदर तो नहीं जान होना, चलो तुम बाहर ही इसने दसने है, तो ये हूँ नवी बनती वा लेकिन जी लुक इसकी दिती गई वो पुरानी लुक दिती गई। लोग आए हुए काफ़ी अग्गे पिछे तो थोड़े जे अग्गे गए हैं दुए एंगल पर, तो मैं जिस पहले तुम्हें बहस ये टूर गाइड है नाले लोगों एंटरटेन करना है कहाँ ना कोई शो लाया वा अस कहाँ कि दाने शाने बना तो वो इसने पर अच्छे तो बेहने तो उसने नाल काफ़ी करीब हुए हुए इस आम तो आम बंदा ज्यादा उडरी जाने, तो अगर तुम्हें मैं पिछली साइड पर दसना है करीब करी तो जरा यह जे बड़े पत्थर है ना तो जल नवे दिन द लॉन्गेस्ट डे होना तो इसने जल्द सूरज ना निकलना ना तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा होना। इस तो बाद हूँ तकरीबन एंड हो गया सी साड़ा डे, तो मैं तुम्हें वापस जोला है शॉप है इतना जी सवनीर किंसा कोई, तो उस तो बाद घर आह्ले पास चूंकि आज साड़ा ट्रिप ना आखिरी ध्याड़ा है तो कल इंशाल्लाह कम्मा पर जासा वापसी नहीं भी साड़ी ड्राइव हो जाए 2-2.5 hours लगी जा सुन, तो फिर एक बार तुम्हें याद कराना जा वीडियो की सब्सक्राइब तो लाइक जरूर करे आए, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो माड़ी ओल्टन टावर नहीं है उसी वो नेक्स्ट वीक वो 10 days इच रबड़ी हो जाए तो वो भी तकना ना भूले आए वापसी ने हूँ आ ही रहा, तो दुआएं च याद रखो अल्लाह सोने वाला है, तो खुदा हाफिज़।